नमस्कार दोस्तों, पॉलिटेक्निकल्स पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप घर बैठे अपना लैपटॉप में ही लैब सेटअप कर सकते हो वीएमवेयर वर्क स्टेशन के साथ। ठीक है, तो ये जो मेरा वर्षन है वर्क स्टेशन का ही पुराना वर्षन है, 12 प्रो है। मैं वो यही यूज़ करता हूँ क्योंकि ये मुझे कम्फर्टेबल लगता है। आप अगर दूसरा वर्षन है तो उससे भी कर सकते हो, इवन आप ओरेकल वर्चुअल बॉक्स से भी कर सकते हो। आपको अगर चाहिए ओरेकल वर्चुअल बॉक्स से कोई वीडियो तो मुझे कमेंट्स में बताना, मैं ओरेकल वर्चुअल बॉक्स से कैसे लैब सेटअप करते हैं वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सपोज आपका जो एक्सरसाइज है उसके लिए 4 से 5 सर्वर चाहिए। मेरा ऑलरेडी देखिए 5 सर्वर्स इंस्टॉल्ड है, 5 सर्वर कन्फिगर्ड है। यहाँ पे सर्वर 1 देखिए, नोड 1 2 3 4 करके सारे कन्फिगर्ड है। बट अगर आपको नया से सेटअप करना हो तो कैसे कर सकते हो, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट आपको एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करना पड़ेगा। न्यू वर्चुअल मशीन टिपिकल कर सकते हो, कस्टम कर सकते हो, मैं टिपिकल से जाऊंगा। ठीक है, इंस्टॉलर इमेज वगैरह आप बाद में दे सकते हो, आई विल इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर। नेक्स्ट लिनक्स विंडोज, आपको कौन सा लैब चाहिए वो आप, जैसे कि वीएमवेयर एएसएक्सआई होस्ट, लिनक्स चाहिए, विंडोज चाहिए, जो भी आपको चाहिए वो सिलेक्ट करना होगा। लिनक्स में आपको कौन सा ओएस, सुसे है, रेड हैट है, सेंटोएस है, तो मैं सेंटोएस के साथ ही जाता हूँ। यहाँ पे लोकेशन कहाँ पे आपका वर्चुअल मशीन का जो फाइल से फोल्डर से कहाँ पे क्रिएट होगा, बाय डिफॉल्ट देखिए जो लोकेशन होता है डॉक्यूमेंट्स के अंदर, आपका यूज़र होम डायरेक्टरी डॉक्यूमेंट्स के अंदर होता है वर्चुअल मशीन्स, उसके अंदर एक क्रिएट होता है। ठीक है, ये आप चेंज भी कर सकते हो अपने हिसाब से। अब ब्राउज करोगे, ब्राउज करने के बाद आपको यहाँ पे सेपरेट डायरेक्टरी आप क्रिएट कर सकते हो करके, उस डायरेक्टरी को सिलेक्ट करके उसमें सपोज आपको और एक डायरेक्टरी क्रिएट करना है, जैसे कि मैं टेस्ट के लिए बना रहा हूँ, ये इसमें ओके कर देता हूँ। ठीक है, और वर्चुअल मशीन है नाम, आप CentOS 64 भी डाल सकते हो या फिर आप अपने हिसाब से टेस्ट में VM बोल के डाल सकते हो। नेक्स्ट, इसका बाय डिफॉल्ट जो साइज आता है, मतलब हार्ड डिस्क का साइज जो आता है वो 20 GB आता है। इसको आप सिंगल फाइल में भी रख सकते हो और मल्टीपल फाइल्स में भी रख सकते हो। सिंगल फाइल मतलब क्या, जब आपका 20 GB है वो 20 GB पूरा जो VM आपका क्रिएट होगा उसमें हार्ड लिमिट जैसा यूज हो जाएगा, मतलब 20 GB का साइज का ही वीएम बनेगा और आपका डिस्क का भी 20 GB साइज ही लेगा। बट अगर आप स्प्लिट वर्चुअल डिस्क इनटू मल्टीपल फाइल्स करोगे तो क्या होगा, मल्टीपल फाइल्स में क्रिएट होगा और जितना भी यूसेज होगा उसके ऊपर वो साइज लेगा अपना डायरेक्टरी का। ठीक, मल्टीपल फाइल्स में जाता हूँ, सिंगल भी ले सकता हूँ, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा भी है, स्प्लिट डिस्क मेक्स इट इजियर टू मूव द वर्चुअल मशीन टू अनदर कंप्यूटर। तो अगर किसी कंप्यूटर मूव करना हो तो स्प्लिट वाला फाइल्स में ज़्यादा अच्छा होता है, जिसमें आपको अलग अलग फाइल्स मिल जाता है, जैसे VMD के डिस्क वगैरह सब कुछ, अलग डिस्क, OS डिस्क, एप्लीकेशन डिस्क, अलग अलग करके वो मिल जाते सारे फाइल्स। इसको मैं फिनिश कर देता हूँ और देखो कि यहाँ पे टेस्ट VM बोल के एक VM आ गया ऑलरेडी। ठीक है, अभी इसके बाद आपको OS इंस्टॉल करना है। OS आप जो भी इंस्टॉल करना चाहते हो, यहाँ पे जाके जो CD/DVD ड्राइव है, ISO इमेज जो भी आपके पास होगा, ब्राउज करके आपको ISO फाइल को यहाँ पे क्लिक करना होगा, तो होता है सिलेक्ट करना होता है, और जब यहाँ पे आपका ISO इमेज आ जाएगा, जैसे कि सपोज ये मेरा ISO इमेज का लोकेशन है तो मैंने लोकेशन ऐसे दे दिया, तो ओके करने से वो अटैच हो जाएगा डिस्क कनेक्टेड कनेक्टेड एट पावर ऑन। जब VM पावर ऑन करोगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा और इंस्टॉलेशन के लिए आएगा कि आप इंस्टॉल करोगे OS। तो मैं इसमें इंस्टॉलेशन नहीं दिखाऊंगा, इंस्टॉलेशन आपको देखना है कैसे CentOS वगैरह इंस्टॉल करना है। मेरे चैनल में बहुत पुराना वीडियोस है, वो आप उसमें देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे कि आप नेटवर्क अडेप्टर बाई डिफॉल्ट देखो नेट पे है। नेट पे क्या है, जब भी आप VM ऑन करोगे ऑटोमेटिकली जो भी IP आपका होगा सर्वर में, सॉरी सिस्टम में आपका,
आपका सिस्टम में जो भी आईपी होगा उससे वो एक नेट क्रिएट करके इंटरनेट एक्सेस की कोशिश करेगा। अगर आपको चाहिए कि नहीं, मैं जो लैब सेटअप होगा वो कुछ कस्टमाइज आईपी होगा, आपके हिसाब से आईपी होगा, आप उसी आईपी रेंज के अंदर आपके सारा जो टेस्ट या फिर लैब वीएम्स है उसको ऐसे रखोगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको यहाँ पे जाना है एडिट पे, वर्चुअल नेटवर्क एडिट एडिटर पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, बाई डिफॉल्ट VM.0, VM.1, VM.4 रहता है, ठीक है। और मैंने एक कस्टम करके क्रिएट किया है VM.8, जो कि नेट नेट पे है। आप चेंज सेटिंग्स करोगे तो उसको ऐसा आपको क्वेश्चन पूछेगा कि यस नो करना है, तो आप यस करके चले जाना है, तो एडिट करने के लिए देगा आपको ये, ठीक है। VM वर्चुअल नेटवर्क एडिटर में यहाँ पे आप, आपको या तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैंने इसको ऐड किया है ऐड नेटवर्क करके, अदरवाइज आप दूसरा एक नेटवर्क ऐड कर सकते हो, ऐड नेटवर्क आपका कोई भी, जैसे कि VM.9, ओके करना है आपको, ठीक है। और आपको कैसे इसको यूज़ करना है, जैसे ओके, सिर्फ एक ही नेटवर्क, तो ऑलरेडी मेरा एक नेटवर्क नेट पे चल रहा है, तो दूसरा नेटवर्क आप ऐड नहीं कर सकते नेट पे, ठीक है। तो एनीवे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, और ये जो है मेरा, इस मैंने क्या किया, नेट नेट क्लिक कर गया करके, और ये चेकबॉक्स डाल दिया, जो कि उसका एक सेपरेट एडेप्टर क्रिएट हो जाएगा आपका सर्वर, सॉरी आपका सिस्टम में। उसके बाद आप जो आईपी है, आईपी रेंज आप मैन्युअली सेट कर सकते हो, ये मैंने जैसे सेट किया 192.168.118, आप चाहे तो आपके मर्जी से 10.10.10 या 20.20.20.20 बोल के आप आईपी सेट कर सकते हो, उसका रेंज और सबनेट दे सकते हो। तो जितना भी सर्वर आप ऐड करोगे उस नेटवर्क पे, इसी आईपी को लेके एज ए डीएचसीपी काम करेगा, और आप मैन्युअली भी सेट कर सकते हो आईपी, दोनों भी कर सकते, दोनों कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ये करके आपको अप्लाई कर देना है, तो सेटिंग्स अप्लाई हो जाएगा, मेरा ऑलरेडी है तो मैं कुछ नहीं करूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है, सपोज आपका ये सेटअप हो चुका है, आपका ये क्रिएट हो चुका है, जैसे कि आप अगर एग्जांपल, अगर मेरा कोई भी यहाँ पे एक वीएम होगा लोगे, तो इसमें आपका क्या है, ओएस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है। सपोज आपका आपका वीएम क्रिएट हो चुका है, टेस्ट वीएम, और उसमें आपने ओएस भी डाल दिया, ओएस इंस्टॉलेशन हो चुका है। अभी आपके पास एक ही वीएम है, ठीक है, और उसका आईपी वगैरह आपको मैन्युअली सेटअप करना पड़ेगा। बट अगर आपको ऐसा है कि अभी मुझे चार वीएम चाहिए, तब क्या कर सकते हो, जो आपका जो वीएम है, जो रेडी वीएम है, जिसमें ओएस वगैरह सब कुछ है, ये मैंने एज ए टेस्ट आपको दिखाया, ये मैं डिलीट कर देता हूँ, अदरवाइज आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो सपोज ये एक वीएम लेता हूँ जो कि मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड एंड रनिंग है, जिसमें आईपी वगैरह सब कुछ सेटअप है, तो लेकिन मुझे ऐसा है चार सर्वर चाहिए, तो मैं एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ, आप चार आप घर पे आप खुद ट्राई कर लेना। तो इसको राइट क्लिक करना आप, फिर आपको यहाँ पे जाना है मैनेज पे, और करना है क्लोन पे, ठीक है, नेक्स्ट, करंट स्टेट जो है उसी स्टेट में करना है क्लोन, या लिंक, लिंक अगर करोगे तो कुछ नहीं करेगा, जस्ट जो है एग्जिस्टिंग वीएम है उसका एक लिंक क्रिएट करके देगा, बट मुझे लिंक नहीं चाहिए, एक वीएम चाहिए पूरा का पूरा। तो क्रिएट क्रिएट ए फुल क्लोन, ठीक है। जो जैसे कि ये क्लोन ऑफ नोट 4 है, और कहाँ पे सेट है, वर्चुअल मशीन पे क्लोन ऑफ नोट 4, तो मैं इसको क्लोन ऑफ नोट 4 नहीं डाल के नोट 5 डालता हूँ, और सेव भी वही उसी पे करता हूँ, उसी लोकेशन पे, डॉक्यूमेंट के अंदर, वर्चुअल मशीन डायरेक्टरी के अंदर। आप अगर चाहो तो ब्राउज करके दूसरे लोकेशन भी डाल सकते हो, यहाँ पे अगर देखोगे वर्चुअल मशीन के अंदर नोट 5 खोल के कोई डायरेक्टरी नहीं है, बट मैं अगर इसको ओके कर दूंगा तो डायरेक्टरी क्रिएट कर देगा उसके अंदर, ठीक है। तो मैं फिनिश करता हूँ, तो ये इसका क्लोन क्रिएट हो रहा है, ये क्लोन क्रिएट होने में थोड़ा टाइम लगता है। जब क्लोन क्रिएट हो जाएगा तो मैं मशीन को पावर ऑन करूँगा और फर्दर स्टेप्स आपको दिखाऊंगा। ओके, जब क्लोन कंप्लीट हो जाता है तो आपको ऐसा मैसेज आएगा, देन आपको इसको क्लोज कर देना है, और आपका
नोट 5 रेडी है, ठीक है, बट इसमें क्या है, आपने नोट 4 का क्लोन किया है, तो इसका होस्ट नेम, आईपी, सब कुछ सेम रहेगा एज नोट 4। तो उसको, उससे पहले, आपको स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ। ये जो एडेप्टर है, ये एडेप्टर का जो डिटेल्स है, मतलब जो हार्डवेयर डिटेल्स है, जैसे कि उसका यूयूआईडी वगैरह, वो सेम रहेगा एज नोट 4। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एडिट सेटिंग्स करके जो उसका नेटवर्क एडेप्टर है उसको रिमूव कर देना है हमें, और ऐड नया नेटवर्क एडेप्टर करना है, और उसको VMnet 8 करके कर देना है, ठीक है। ओके, अभी मैं उसको पावर ऑन करता हूँ VM को, और मैं नोट 5 को पावर ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। और नोट 5 क्या है, नोट 5 नोट 4 का क्लोन है। OS स्टार्ट हो रहा है, तो ये देखो आपका VM स्टार्ट हो चुका है। बट यहाँ पे आप अगर देखोगे तो यूजर्स वगैरह जो है नोट 4 से उठा लिया, ANS यूजर, पॉलिटेक्निकल्स, एलिस, जो जो भी यूजर्स है वो कहाँ से, नेट नोट 4 से उसने उठा लिया है, ठीक है। तो आप नॉट लिस्टेड करके रूट से लॉग इन करोगे, तो रूट का भी पासवर्ड क्या है, रूट का जो आपका नोट 4 का पासवर्ड आपने सेटअप किया होगा एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन, वही पासवर्ड से नोट 5 भी आपका लॉगिन हो जाएगा। तो ये मैं कंसोल से लॉगिन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसका आईपी नहीं पता, मैंने नोट 4 से क्लोन किया है, तो नोट 5 का आईपी क्या है वो मुझे नहीं पता, इसलिए मैं कंसोल से पहले लॉगिन करूँगा, उसको कॉन्फ़िगर करूँगा, देन मैं पुट्टी से ट्राई करूँगा, ठीक है। तो ये आपका VM रेडी है, अगर आप इसके टर्मिनल पे जाओगे, आई गेस आपको बहुत छोटा दिख रहा है जो कि साइज है, इसको मैं फुल स्क्रीन कर दिया, अभी देखते हैं। कंट्रोल प्लस प्लस, अच्छा इस पे कंट्रोल काम नहीं कर रहा है क्योंकि कंसोल है, कंसोल के अंदर। एनीवे, मैं और भी ज़ूम इन कर देता हूँ थोड़ा, ठीक है। तो आप देखोगे जो नाम है नोट 4 दिखा रहा है, और इफ कन्फिग अगर चेक करूँगा तो जो आईपी है, आई गेस ये भी नोट 4 का ही आईपी है, 32, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो आप नेटवर्क पे जाओगे, नेटवर्क सेटिंग्स पे, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन पे जाओगे, और इसका आप, आई थिंक आप मैन्युअली भी दे सकते हो, आप जो वर्चुअल आईपी है वो भी सेट कर सकते हो, सॉरी ऑटोमेटिक आईपी जो भी सेट कर सकते हो। तो मैं जाता हूँ कॉन्फ़िग फाइल में, क्योंकि मैंने नोट 4 का मैन्युअली सेटअप किया है, तो ये आई गेस मैन्युअली होगा। हाँ ये देखो आप मैन्युअली सेटअप है, ठीक है। तो इसको मैं चेंज करके नोट 33 कर देता हूँ, बाकी सब सेम है। ओके, अप्लाई, और इसका मैं कनेक्शन को ऑफ करता हूँ और फिर से ऑन करता हूँ। अभी अगर हम इफ कॉन्फ़िग देख रहे हैं तो आईपी चेंज हो चुका है 133, बट होस्ट नेम फिर भी नोट 4 है, तो क्या करोगे आप, होस्ट नेम CTL सेट होस्ट नेम नोट 5, या फिर
क्लाइंट नोट 5 सेट करोगे, अभी इसको फिर लॉगआउट करता हूँ या फिर टर्मिनल को मैं क्लोज करता हूँ और नया टर्मिनल एक ओपन करता हूँ। तो अब देखो कि नोट 5 आ चुका है, ठीक है। ये देखो आपका नोट 5 उसका आ चुका है, ठीक है। तो आपका ये मशीन रेडी है। आप अगर चाहे तो आप जितना भी अनयूजुअल यूजर्स है वो सारे डिलीट कर सकते हो आप। अगर आपको ये सारे यूजर्स नहीं चाहिए तो आप डिलीट कर सकते हो, क्योंकि ये सारा के सारा उसने नोट 4 से उठाया है, और आपको अगर चाहिए देन इसको रहने दे तो रहने दे सकते हो, वो आपका मर्जी। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो कि ये हो गया आपका सेटअप। अभी आप अगर पुट्टी से ट्राई करोगे, इसका जो आईपी है 133, तो हम पुट्टी से अगर 133 ट्राई करेंगे, तो आपका लॉगिन हो चुका है, ठीक है, नोट 5 पे। और आप ऐसे बाकी काम कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, आपका सपोज नोट 4 आपने पहले से या फिर पहला जो इंस्टॉलेशन किया आपने सर्वर वो ये था, उसमें सारा कुछ कॉन्फ़िगर था आपका, आईपी वगैरह सब कुछ। देन आपने क्या किया, इसका क्लोन करके नोट 5 क्रिएट कर दिया, फिर उसका और एक क्लोन करके नोट 6, नोट 7, नोट 8, जितना भी मर्जी आप क्लोन क्रिएट करो, करके सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, होस्ट नेम और इसका आईपी, ये दो चीज़ चेंज करना पड़ेंगे और आप अपना सर्वर रेडी है फॉर एक्सेसिबल। तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, आप घर में अपने लैपटॉप में मल्टीपल सर्वर से लैब सेटअप कर सकते हो। फिर से मैं दिखा रहा हूँ, इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया कि नेटवर्क एडेप्टर कैसे आप एडिट कर सकते हो, कैसे नेटवर्क ऐड कर सकते हो, उसके लिए सेपरेट वीडियो है। फिर भी मैंने इस वीडियो में भी मैंने पूरा प्रॉपर एक्सप्लेन करके आपको बताया कि आप कैसे ये इसको नया आईपी ऐड कर सकते हो, विद नेट आप यूज़ कर सकते हो इसको इंटरनेट। आप अगर देखोगे इसमें अगर google.com तो पिंग हो रहा है, मतलब इसमें आपका इंटरनेट है, ठीक है, क्योंकि मैंने जब कॉन्फ़िगर किया था तो एज ए नेट आईडी, सॉरी वर्चुअल नेटवर्क एडाप्टर का एज ए नेट मैंने सिलेक्ट किया था टाइप, ठीक है। और आईपी आप जो भी रेंज का आईपी सेट करोगे आपको नेटवर्क मिल जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आप घर पे लैब सेटअप कर सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आपको अगर दूसरा वीडियो चाहिए वर्चुअल बॉक्स के ऊपर कि कैसे आप लैब सेटअप कर सकते हो, तो आप कमेंट में मुझे डाल सकते हो, तो मैं कोशिश करूँगा वीडियो बना लेकर। इस वीडियो में बस इतना ही, मेरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे चैनल में बने रहिए, ऐसे मैं अच्छे अच्छे कॉन्टेंट आपके पास लाता रहूँगा। थैंक यू।